नमस्कार मित्र, मैं पार्ट टू लेके आया हूँ SSC MTS 2017 30 अप्रैल 2017 मॉर्निंग शिफ्ट सुबह का। मैं उसका पार्ट टू लेके आया हूँ, सॉल्यूशन। तो चालू करते हैं उसके आगे 117 से। डैश इज रिक्वायर्ड टू बूस्ट कंप्यूटर, सॉरी वो बूस्ट नहीं, वो बूट है। मतलब कंप्यूटर चालू करने के लिए क्या चाहिए रहता है, देखिए वो बूट है। तो उसको OS चाहिए रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बूट नहीं होगा। 118 देखिए, इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पार्ट कौन सा है? तो ऑप्शन डी देखिए सीधा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बाकी सब देखिए, वो सीपीयू के बाहर के पार्ट हैं। कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर हैं। और ALU ये अंदर का पार्ट है, सीपीयू में होता है। 119 देखिए, डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फाइल इज ऑल्सो नोन एज, इसका आंसर है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस ऐसे देखिए, नाम से ही पता चलता है, आप डायरेक्ट किसी चीज को बहुत उसी समान रूप में पड़े हुए में से उठा लीजिए, रैंडमली उठाइए, तो आप डायरेक्टली वहां तक पहुंच रहे हैं। तो इसका आंसर सी होता है, रैंडम एक्सेस। 120 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट, इसका आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज इस तरह होता है क्योंकि इंसुलिन हार्मोन है, यूरिया एक्सक्रेटरी होता है, हम जो यूरिन निकालते हैं उसमें यूरिया होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है। तो इस तरह आंसर ग्लूकोज है। 121 देखिए, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन हम करते हैं उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन पेड़ पौधे करते हैं, एक्सक्रेशन सारे एनिमल करते हैं, मनुष्य भी उसमें आता है, ह्यूमन आता है। तो फोटोसिंथेसिस है ऑप्शन सी, जिसमें ऑक्सीजन बाहर आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। 122 देखिए, वेजिटेबल्स आर कुक्ड इन लेजर टाइम बाय एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट वाइल कुकिंग बिकॉज। तो भाजी खाना जल्दी पक जाता है जब उसमें हम नमक डालते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, जिससे भाप ज्यादा बनने लगती है, एवोपोरेशन ज्यादा होता है। और आपको पता होगा भाप में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बहुत ज्यादा पावर होता है, तुरंत खाना पक जाता है, इसलिए नमक डालने से उसका खाना जल्दी पकता है, क्योंकि बीपी बॉइलिंग पॉइंट वो कम हो जा सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। 123 देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल वर्क ऑन, ऑप्शन डी होता है पास्कल प्रिंसिपल। बाकी सब तीनों देखिए, आर्किमिडीज वाटर से रिलेटेड है, बर्नौलिस एक थ्योरम होता है, और पास्कल लॉ प्रेशर से रिलेटेड होता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए इसका आंसर पास्कल प्रिंसिपल होगा, ऑप्शन डी। 124 देखिए, द
बेसिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? तो देखिए उसका आंसर बड़ा इजी है, फिजन होता है। और यदि एटॉमिक बम पूछेगा तो वहां फ्यूजन होता है, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूजन, एटॉमिक रिएक्टर, एटॉमिक बॉम्ब में फ्यूजन होता है। 124 देखिए, अहमदाबाद इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, गलत भी नहीं करना, आंसर सही मार के आना। 126 देखिए, यह पूरे पेपर का टफेस्ट क्वेश्चन है। देखिए टफ में टफ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और पेपर इजी रहा तो फिर बल्ले बल्ले, सब लोग मजा कीजिए। 126 देखिए, द ओनली लिविंग टिश्यू इन प्लांट जाइलम इज, ऑप्शन ए होता है जाइलम पेरेंकाइमा। इसको बोलते हैं जाइलम पेरेंचाइमा भी बोलते हैं, तो दोनों बोलते हैं, इसका आंसर जाइलम पेरेंचाइमा है। 127 देखिए, यह भी टफ क्वेश्चन है लेकिन उतना भी टफ नहीं था। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट फॉर, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो कीटाणुओं को खाते हैं, वो क्यों खाते हैं? तो उनमें देखिए ऐसे पेड़ पौधे ज्यादा करके गीली जमीन में पैदा होते हैं, मार्शी सॉइल, वहां पे उनको नाइट्रोजन नहीं मिलता, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 127 का। 128, राइबोफ्लोविन इज अ क्या है? तो देखिए राइबोफ्लोविन एक एंजाइम है, और फैटी एसिड, उसमें नाम में ही एसिड लगा है। राइबोफ्लोविन विटामिन है नहीं, ए बी सी डी ऐसे ही होते हैं, तो एक एंजाइम है, हार्मोन नहीं है। विटामिन हो सकता है लेकिन अगर ए बी सी डी में से किसी का भी नाम राइबोफ्लेविन हुआ तो, वैसे जहां तक इसका आंसर मुझे लगता है एंजाइम होगा, लेकिन हम सी को भी ज्यादा इनकार नहीं कर सकते, तो बी या सी दोनों में से एक होगा, ज्यादा चांस बी का है। 129 देखिए, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश, इसका आंसर है ट्यूब फिट। वो कैसे होगा उसमें सवाल बनता ही नहीं, उसको ट्यूब फिट बोलते ही हैं, और बाकी सब तो कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है, उसका आंसर ट्यूब फिट है। 130 देखिए, द लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज कमर्शियली, तो आप देखेंगे आप लेटेक्स कहाँ निकलता है, रबर में निकलता है, बनियान में निकलता है, पपाया में निकलता है, सियाल में निकलता है, लेकिन किसी का कमर्शियली यूज नहीं हो सकता, बस रबर का हो सकता है, रबर का टायर, रबर का सब कुछ बनता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 131 देखिए, द फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड इन, हमेशा याद रखिए फ्यूज हमेशा सीरीज में होता है, और दो वायर होते हैं, लाइव वायर न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर जमीन में जाता है, ग्राउंड से जुड़ा होता है, और सीरीज से फ्यूज कनेक्टेड रहता है, तो इसका आंसर 131 ऑप्शन बी होगा। 132 देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडायरेक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट? तो इसका आंसर देखिए, ग्रेजिंग भी हो सकता है और बिल्डिंग मटेरियल हो सकता है, और बाकी के दो में डायरेक्ट यूज होता है। बिल्डिंग मटेरियल इस तरह कि वो जो पेड़ सूखता है उसकी लकड़ी का यूज बिल्डिंग मटेरियल में होता है, और ग्रेजिंग डायरेक्टली उसके पेड़ पौधे का पत्ते जानवर खाते हैं। तो इस तरह ग्रेजिंग भी हो सकता है, बिल्डिंग मटेरियल हो सकता है, लेकिन मैं बिल्डिंग मटेरियल के साथ जाऊंगा। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 133 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्पाइसेस, मतलब मसाला सबसे ज्यादा कौन पैदा करता है? आंसर इसका केरला होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचने का नहीं है। और अगर चाय होता तो असम होता, और सबसे ज्यादा केसर पैदा करने वाला होता तो जम्मू कश्मीर होता। 134 देखिए, द परसेंटेज ऑफ इंडिया फॉरेस्ट लैंड आउट ऑफ टोटल लैंड इज, वैसे तो होना 33% चाहिए, लेकिन हमारा कम है, जो कम है वही पूछा है, तो लेस देन 25% है, 23 समथिंग है, 23.22 समथिंग। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आगे देखिए 135, 135 देखिए, द रंगनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड एट, रंगनाथ मंदिर कहाँ पे है? इसका आंसर ऑप्शन में ही है, श्रीरंगम। श्रीरंगम में रंगनाथ, ऐसे इसका आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। 136 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस इंडियन पेंटर? इनको सब लोग जानते हैं, इनका नाम एम एफ हुसैन है। 137 देखिए, विच एक्शन मूवी स्टार वॉर्स अवॉर्डेड ऑन नवंबर 2016 द हॉनरेरी एकेडमी अवार्ड फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स इन द मूवी? इनका नाम जैकी चैन है। कुछ दिन पहले इंडिया भी आए थे, और आपने सब इनको टीवी पे देखा होगा, इनकी मूवी आई थी, तो लगता है वहीं से इंस्पायर होके क्वेश्चन है। इसका आंसर जैकी चैन है। 138 देखिए, मलाथियन इज अ इंसेक्टिसाइड, यह कीटाणुओं को मारने में काम आता है। 139 देखिए, द वर्किंग ऑफ अ ड्राई सेल इज बेस्ड ऑन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। घड़ी का सेल है, चलते चलते खत्म हो जाता है, उसमें एक मटेरियल रहता है, वो मटेरियल खत्म हो जाता है। इसका आंसर इसलिए ऑप्शन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। 140 देखिए, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर होता क्या है? तो एटमोस्फीयर सराउंडिंग द लिविंग ऑर्गेनाइजम, जो भी एटमोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास होता है वह बायोस्फीयर होता है। तो उसमें देखिए ओशियन, लैंड, सॉइल, एटमॉस्फेयर सब आते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 141 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉसेस स्वाइन फ्लू, मतलब स्वाइन फ्लू किसके वजह से होता है? तो देखिए स्वाइन फ्लू H1N1
H1N1 के वजह से हुआ था और वो वायरस था, तो इसका आंसर बी वायरस होगा। 142 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर, मतलब सबसे नीचे परत कौन सी है पर्यावरण का, तो उसका आंसर ट्रोपोस्फियर है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 143 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज सपोज्डली एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका आंसर सदर्न ऑसिलेशन होगा, एलिनो नहीं होगा। एलिनो फिजिकल के वजह से होता है और एलिनो को एनसो बोला जाता है, उसमें सदर्न ऑसिलेशन आता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। 144 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका आंसर सेबी होगा। 145 देखिए, नीति आयोग इज अ थिंक टैंक, एनजीओ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, और किसी संसद के पास करने से बनाया नहीं गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी थिंक टैंक होगा। 146 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस द कंप्यूटर रिसोर्सेस, कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज कौन करता है, तो वो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम कोड करके इसमें डाला जाता है तो वह काम करता है। 147 देखिए, ओवर द इयर्स बर्थ रेट इन इंडिया हैज इंक्रीज एंड डेथ रेट हैज डिक्रीज, मतलब पैदा होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। 148 देखिए, विच ग्राउंड इज कॉल्ड मक्का ऑफ क्रिकेट, इसको लॉर्ड्स का मैदान बोलते हैं, इंग्लैंड में है। 149 देखिए, 148 का आंसर बी है, लॉर्ड्स। 149 देखिए, वेयर इज फीफा 2018 शेड्यूल टू बी हेल्ड, इसका आंसर रसिया है, 2014 में जब हुआ था तभी उसका अनाउंसमेंट हुआ था, मॉस्को में होगा, रशिया में। 150 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन था और सबसे इजी क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन लॉन्च्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट एट सेंटर, अब एनडीए गवर्नमेंट दो बार आई, 99 से 2004 और 2014 में आई नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू की, और ऑप्शन डी मनरेगा, यह कांग्रेस के टाइम की ही योजना है और यह 2005 में चालू की गई थी, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। तो ये रहे पूरे 50 क्वेश्चन के आंसर। अब आप लोग इसको एनालाइज कीजिए, आगे कैसे पढ़ना है देखिए, साइंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, करंट अफेयर पे एक ही दो क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में डीप में जाके पढ़िए, बेसिक बेसिक से नहीं होगा। आगे मैं बाकी के
आंसर का, बाकी के पेपर का एनालिसिस लेके आऊंगा, आंसर लेके आऊंगा, और कट ऑफ कितना जा सकता है वह भी लेके आऊंगा। आप लोग लगे रहिए और मैं भी पूरी सहायता करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कीजिए, किसी आंसर पे डाउट हो तो भी कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।